एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज पर दिल्ली स्पेशल। दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन शॉपिंग साइट फ्लिपकार्ट को नोटिस भेजा है। 6 लोगों की गिरफ्तारी और उनके पास से करीब 1 करोड़ रुपए के महंगे मोबाइल फोन मिलने के बाद ये नोटिस भेजा गया। इनमें से कई फोन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के जरिए बेचे गए। ऑनलाइन कंपनी फ्लिपकार्ट की दिक्कतें अब बढ़ सकती हैं। दिल्ली पुलिस ने फ्लिपकार्ट को नोटिस जारी किया है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो भारत में इंपोर्ट हो रहे मोबाइल फोन को चोरी करवाकर फ्लिपकार्ट के एजेंट को बेच देते थे। दिल्ली पुलिस ने अब इस मामले में फ्लिपकार्ट को जाँच में सहयोग देने का नोटिस थमा दिया है। साथ ही ये भी पूछा गया है कि ऐसे मोबाइल फोन की ऑनलाइन बिक्री कैसे की गई। एयरपोर्ट की एक लॉजिस्टिक कंपनी की शिकायत के बाद पुलिस की जांच में बड़े मोबाइल चोर का नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि राजू नाम का एक शख्स कुछ फोन को बेचने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद पुलिस ने ट्रैप बिछाकर राजू को गिरफ्तार कर पर्दे खोली तो सब हैरान रह गए। पुलिस स्टेशन ने एक हमको एक केस रिपोर्ट हुआ था जिसमें करीब 1500 मोबाइल फोन एक हांगकांग से एक कंपनी है ओखला में उसने इम्पोर्ट किया था। तो यहाँ पे कार्गो में ये सारे फोन्स आए थे और यहाँ से जब इन्होंने जब यहाँ पे डिलीवरी करने लगे तब इन्होंने पाया कि उसमें 600 मोबाइल फोन अराउंड वर्थ अबाउट 1 करोड़ रुपीज़ के फ़ोन यहाँ से चोरी हो गए। इस मामले में जब हमको हमने केस रजिस्टर कर दिया, इसमें केस रजिस्टर करने के बाद हमने इसमें कई टीम से ऑर्गेनाइज करने के बाद हमने इसका कार्गो पे वहाँ पे जाके लोकल इंक्वायरीज की, वहाँ के फुटेज वगैरह पे करा, उसमें मुझे ज़्यादा क्लू वगैरह नहीं मिला। फिर हमने अपनी टीम्स वगैरह को थोड़ा ह्यूमन इंटेलिजेंस वगैरह पे करके हमने इसमें एक बंदा राजू को सबसे पहले अरेस्ट किया, जिसने हमको बताया कि एक महबारपुर में एक शॉप है मिस्टर हरिंदर अली लकी की, जिसने उसको दिया था कि इस तरह के मोबाइल फ़ोन बेचने के लिए हमको आप कोई ग्राहक ढूंढिए। उसके बाद हमने इसमें टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी करी है और इनसे करीब 209 फोन हमने मोबाइल फोन रिकवर किए हैं। चोरी के इस नेटवर्क में कार्गो के ड्राइवर से लेकर फ्लिपकार्ट का वेंडर तक शामिल था। इस गिरोह में कई लोग जुड़े हुए थे जिनमें मोबाइल शॉपकीपर और मोबाइल रिपेयर करने वाले तक शामिल हैं। आपको बता दें कि हांगकांग से 1500 मोबाइल फोन भारत में इंपोर्ट किए गए थे, जिनमें से 600 फोन इस गैंग ने चोरी कर लिए। अब तक 209 फोन रिकवर कर लिए गए हैं जिनकी कीमत 40 लाख से ऊपर बताई जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में फ्लिपकार्ट की सफाई भी आ गई है। कंपनी का कहना है कि सभी नियमों का पालन करती है और विक्रेताओं को सभी नियमों का पालन करना जरूरी भी है। जो विक्रेता नियमों का उल्लंघन करेंगे कंपनी उनके खिलाफ सख्ती से पेश आएगी। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए ओपी शुक्ला की रिपोर्ट। और रुक करें बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, एक बड़ा फैसला आया है एमसीडी का और दिल्ली में नॉर्थ साउथ एमसीडी ने फैक्ट्री मालिकों को ये सौगात दी है। फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल इकाई को लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्थ और साउथ एमसीडी ने फैक्ट्री मालिकों को ये तोहफा दिया है। आपको बता दें कि नॉर्थ एमसीडी और साउथ एमसीडी दोनों ने ही ये फैसला लिया है स्टैंडिंग कमेटी में कि ये जो इंडस्ट्री है उन्हें लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मनोहर केसरी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मनोहर, ये सौगात मिली है त्योहारों के मौसम में ना। एमसीडी ने ये सौगात फैक्ट्री मालिकों को दी है दिल्ली में कि जो दिल्ली में नई फैक्ट्रियां लगाएंगे या कोई उद्योगों की इकाई लगाएंगे उसके लिए एक बहुत बड़ी राहत है। क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि एक्ट 1957 का सेक्शन 416 के तहत एमसीडी से फैक्ट्री मालिकों को लाइसेंस लेना पड़ता था और जिसमें कई पेचीदगियां आती थी और एमसीडी का ये कहना था कि कुछ ऐसे मामले जो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट थे जो पहले एमसीडी के पास थे अब वो दिल्ली सरकार के पास डिपार्टमेंट चले गए। ऐसे में कोई औचित्य नहीं बनता था कि एमसीडी से वो लाइसेंस लें, पहली बात। दूसरी बात, नॉर्थ और साउथ एमसीडी ने स्टैंडिंग कमेटी में फैसला लिया है और उम्मीद है कि इस एमसीडी पे इस फैसले पर अपनी मोहर आने वाले दिनों में लगा देंगे। तो इस तरह से पूरी तरह से कहा जाए तीनों एमसीडी ने इसे फैसला को मान्य दिया है और एक बहुत बड़ी राहत दी है। जी शुक्रिया आपका मनोहर। तो एक बड़ी राहत फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल इकाई चलाने वाले
उद्योगपतियों को कारोबारियों को उन्हें लाइसेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्थ और साउथ एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी में यह फैसला लिया गया है। चलिए नॉर्थ और साउथ एमसीडी में जहां ये उद्योगपतियों को कारोबारियों को राहत मिली है, वहीं अगर बात करें कृष्णानगर की, पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर में जो लोग हैं वो रो रहे हैं क्योंकि बीती रात नशे में धुत कुछ अपराधियों ने यहां लोगों पर गोलीबारी कर दी। दरअसल लोग यहां इन अपराधियों को जुआ खेलने से मना कर रहे थे। इस फायरिंग में एक बच्ची और तीन लोग पूरी तरह जख्मी हो गए। कृष्णानगर इलाका बीती रात गोलियों की आवाज से गूंज उठा। दरअसल रात करीब 11 बजे साहिल प्रॉपर्टी के नाम से बने इस ऑफिस में कुछ लड़के शराब के नशे में शोर शराबा कर रहे थे और जुआ खेल रहे थे। वहां मौजूद लोगों ने जब इसका विरोध किया तो एक लड़के ने हवा में फायरिंग की। इस फायरिंग में एक गोली 12 साल की बच्ची को लग गई जिससे बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्ची को गोली लगने के बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ गया और लोगों ने ऑफिस और वहां खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसके बाद ऑफिस में मौजूद लड़कों ने एक बार फिर फायरिंग शुरू कर दी जिसमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को तुरंत ही पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमारे परिवार के चार लोग घायल हैं जिसमें कि दो बच्चियां हैं और दो तीन जेंट्स हैं और एक कारीगर है। दोनों बच्चियों को लगी है? हाँ, दोनों को लगी है। और जो चाचा हैं और रतन चाचा, उनके यहाँ सिर में लगी है। उन्होंने गेट के सामने मारी है उन्होंने गोली। और ये आज ही नहीं हुआ, डेली आए दिन यहाँ पे हंगामा होता रहता है और डेली नई नई गाड़ियां पे बदमाश यहाँ पे बुलाए जाते हैं। ये जिसकी दुकान है सोनू, ये सारा कुछ वो कराता है। यहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि इस ऑफिस में रोजाना लड़के झुंड बनाकर बैठते हैं और गैर कानूनी काम करते हैं, जिसकी शिकायत भी कई बार की गई है, लेकिन पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा आज के हादसे के रूप में सामने आया है। यहाँ पे डेली जुआ चलता है और डेली यहाँ पे दारू पी के गाली गुप्तारी और मतलब यहाँ पे हरामी गर्दी कर जाती है। और यहाँ पे हमारी माँ बहनें रहती हैं, सामने बच्ची के गोली जो जिसके लगी है वो हमारी ताईजी लगती हैं और हमारे चाचा की लड़की के लगी है। यहाँ पे वो पी के ड्रामा करते हैं डेली, तो हमने कहा यहाँ पे घर गृहस्थी वाले घर रहता है, यहाँ पे आप डेली ऐसा मत करो। तो हम समझाने की गए थे, उन्होंने सीधा हमारे चाचा के चाचा बड़े चाचा जो समझाने गए थे उन्होंने फायर कर दिया उनके ऊपर, उनके सीधा यहाँ पे फायर लगा है, गोली लगी हुई है, हॉस्पिटल जीटी भी लेके गए उनको। वहीं लोगों का आरोप यह भी है कि आरोपी लड़कों की गाड़ी पर दिल्ली पुलिस का स्टिकर भी लगा हुआ था। हालांकि दिल्ली पुलिस फिलहाल पूरे मामले पर जांच की बात कह रही है। फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि पुलिस कितनी जल्द इस पूरे मामले को सुलझा पाती है, लेकिन जिस तरह से बेखौफ होकर अपराधियों ने फायरिंग की है उसने एक बार फिर दिल्ली में लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुशांत मेहरा, टोटल न्यूज, दिल्ली। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। टोटल न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं।